नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। कुमार धोबी बाजार पोस्ट ऑफिस के समीप स्थित स्पोर्ट्स दुकान में गुरुवार की देर रात अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। ताला तोड़ने की आवाज पास में ही रहने वाले एक युवक को सुनाई दी। वह और उसके घर के कुछ सदस्य घर से निकलकर शोर मचाने लगे। शोर सुनकर चोर मौके से फरार हो गए। उन्होंने घटना की सूचना दुकान के मालिक असलम परवेज को दी। असलम अविलंब दुकान पहुंचे और देखा कि चोरों द्वारा दुकान के बाहर रखे अलमारी का ताला तोड़ने की कोशिश की गई थी। असलम ने बताया कि स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण चोरी की घटना टल गई। अगर आसपास के लोग चोरों को नहीं खदेड़ते तो चोरी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। कहा कि गार्ड के रहने के बावजूद चोरों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया। कहा कि अगर पुलिस द्वारा देर रात पेट्रोलिंग की जाए तो चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है। 2 बजे रात में पता चला हमको कि चिमकी उमकी फाड़ दिया है, रस्सी खोल दिया, ताला चढ़ने की कोशिश किया, ताला नहीं टूटा। तो नाथुन का लड़का आया, हंगामा हुआ तो दौड़ के भागा उन्हें। उसके बाद हम आए कुछ देर के बाद में देखे चिमकी उमकी खुला हुआ, कुछ सामान मेरा गायब नहीं। कितना जन था उन लोग जो भागा? लोग 3 जन था। किस तरफ भागा उन लोग पता चला कुछ? भागा इधर पीछे तरफ भागा है। तो क्या इसका आप शिकायत वगैरह की है थाना में? थाना में तो हम नहीं दिए, मेरा कुछ दिया नहीं था इसलिए हम दिए नहीं। आग्रह है थाना वाला से एक बार रात में इधर घूर जाए, कम से कम रात में पेट्रोलिंग गाड़ी आती है एक बार चले आए। एक तो पारा वाला भी रखे हम लोग, 50 रुपया महीना देते हैं, वो भी कल था कि नहीं था कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन मेरा कुछ नुकसान नहीं कर पाया है, कर देता अगर अगल बगल का आदमी नहीं जागता तो मेरा नुकसान हो जाता।